सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी नप्द अजकल मुंडे जड़े मुंडे कुड़ियां है पाकिस्तान वाले कि केड़े देश ना ब्याह कराना चाहते है मतलब देश दे कुड़ियां मुंडे ना देश ना मुंडे कुड़ी मतलब केड़े देश ना नहीं नहीं केड़े देश दे कुड़ियां मुंडे ना ब्याह कराना चाहते इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भी कहेंगे ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋੜਾ ਹੋੜਾ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰੀਮ ਸੋਨੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਮਿਸਿਸ ਰਿਦਾ ਰਹਿਮ ਸੋਨੀਆ बड़ा अच्छा नाम है एक सवाल पूछ लूं जी पूछें अतर मैरिड है नहीं किरण मुझे बताएं मैरिड है आप हाँ जी यानी आप शादीशुदा हैं जी मैरिड है वैसे ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ दो माशाल्लाह जवान बच्चियों का बाप मैरिड है अनमैरिड शादी का प्लान है प्लान तो अभी नहीं है जिधर करना चाहता हूँ उधर हो नहीं सकती तो इसलिए फिर क्यों नहीं हो सकती क्या वजह लड़की नहीं मान रही है घर वाले नहीं मान रहे नहीं घर वाले तो सब राजी हैं लेकिन लड़की नहीं मान रही भाई अगर वो देख रही है तो हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे मान जाएं भाई प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी भी यार मैं पहली नहीं सुन रहा है चीज अगर आप चला देते की बता दो कुड़ी के कर देनी मन नहीं नहीं वो कह रहे कर देता मन्ने हो यार कुड़ी नहीं मान रही नहीं मिलने वाला मान जाओ आइडियल हाइट है देख रही है और नाम भी इतना अच्छा है बस कभी गर्व नहीं किया कितना अरसा हो गया मुझे 6 months हो गया यार आज मुझे मार्केट में हर लड़की मैरिड मिल रही है हालात ऐसे हो गए ना लड़कियां अपने आप को सिक्योर कर रही हैं शादी का प्लान है क्यों दूसरी शादी का प्लान है अल्लाह ना करे पहला शख्स है जो ये कह रहा है दूसरी शादी का प्लान नहीं है वरना मर्द तो मौका ढूंढते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है मेरी माशाल्लाह से मर्द कहता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूं एक सांभी जा रही बहुत है कितना अरसा मुझे 2 months हुए हैं आप किस नेशनैलिटी से शादी करना चाहेंगी ऑप्शन मैं आपको देती हूँ इंडिया अफगानिस्तान या बांग्लादेश अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्यों फिर भी अच्छे लोग हैं अच्छा बाकी मरे हैं इंडिया क्या हमें दे रहा है इंडिया तो कुछ भी नहीं हमें दे रहा सिवाय बम धमाकों के इंडिया में नॉट इंटरेस्टिंग नो इंटरेस्टिंग इंडिया वैसे इतना भी बुरा मुल्क नहीं है हाँ ये तो है इंडिया की हम चीजें नहीं लेते इंडिया गोल्ड ये सारा कुछ हूं तो कह रहे थे इंडिया सानू कुछ नहीं दंदा सिवाय बम धमाके बैड नहीं क्या तोड़ा भाई जी हाँ है आपको दूंगी दे दूं दे दे इंडिया अफगानिस्तान डिस्कशन दाएं हो रही है जिसमें खाली ब्याह आना है इंडिया तो बिल्कुल नहीं इंडिया क्यों नहीं ओह बस ऐवी मसले होते रहेंगे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे सही गल है पाकिस्तान और इंडिया लेकिन ये भी हो सकता है घर वाले घर वाली आपस ही वैसे ही रहेंगे सही है नहीं करना कर ही करना बाकी तो नहीं हो सकता है कि आ मेनू नहीं पसंद तो तेनू नहीं पसंद इंडिया भी नहीं पसंद बांग्लादेश या अफगानिस्तान यार बांग्लादेश वो क्यों ये काफी इंटरेस्टिंग लोग होते हैं बड़े जो बोलते हैं ना मेरे एक फ्रेंड थे वो बोलते बहुत अच्छे हैं बस चक्कर घर आ ही है घर में शुगर लगा रहेगा कुछ नहीं तो घर में शुगर लगा रहेगा अफगानिस्तान गल्ला ही होंगी क्यों क्योंकि उधर पठान होंगे हमारी तरह तो उधर ही करना चाहता हूँ तो इंडिया क्यों नहीं इंडिया वैसे वो कतरीना ने करनी नहीं है मुझसे और वेली बैठी ना तेरे हस्बैंड भाई अगर आपको शादी के लिए नेशनलिटी बड़े फनी फनी आंसर दे रहे ना लोग की और उसमें 3 options होती हैं इंडिया अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो आप किस नेशनलिटी से शादी इंडिया है तो किसी नाम नहीं लेना बांग्लादेश किसी ने लेना जस्ट प्रेफरेंस क्योंकि अफगानिस्तान जो है वहाँ पे उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है और वहाँ पे ज्यादातर जो है जितने भी यू नो डिफरेंट कम्युनिटीज वहाँ से डेवलप होती हैं वो सही नहीं है इतनी और इंडियन इज लाइक
लेकिन इंडिया के साथ हमारा कल्चर और हमारे जो लोग हैं बहुत मिलता जुलता है, तो इंडिया क्यों नहीं? Because India और पाकिस्तान का politically जो है वो clash है, तो घर में भी clashes रहते हैं. घर में भी clashes रहते हैं, exactly. India, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? India. India क्यों? मुंडे ने पहला जवाब दिया. India खूबसूरत होती है. पाकिस्तान की खूबसूरत नहीं होती. पाकिस्तान की भी खूबसूरत होती हैं, लेकिन इंडिया की भी जो है ना वो खूबसूरत होती हैं, जैसे कैटरीना कैफ होगी, इस तरह की लड़कियां. वीरे वो बॉलीवुड दियां होती हैं. कितने बॉलीवुड दियां वे की तरह मन करन दिया. अफगानिस्तान, बांग्लादेश और तीसरा इंडिया. तो आप कहाँ पर शादी करना पसंद करती? फर्स्ट ऑफ ऑल अफगानिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके मतलब उनके साथ बनती नहीं है. उसके बाद इंडिया का में पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा, इंडिया का जो है ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी. इंडिया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक तो ये आजकल जो एंकर होगी इंडिया दी जोर दे ये पूरा इंडिया ये चल रही है, और सोशल मीडिया पे इतनी फाइट है, तो उसको भी छोड़े. वैसे भी एक पर्सनल है इंडिया के लिए जेलसी है कि कभी भी नहीं इंडिया अफगानिस्तान या बांग्लादेश. बस यही हो जो लोग ये अगे नहीं बदन देंदे दुनिया में. लोगों को सोचें, उनके कल्चर को देखें, उसके मुताबिक बताएं. और सिमिलरिटी अगर देखें तो इंडिया में है इंडियन मुस्लिम. यस, आपको लगता है इंडिया के साथ कुछ बन अंकल जी? मैच्योर नहीं, इंडिया के साथ तो कभी भी नहीं बनेगा. ओहो, मैच्योर शादी वहां की जाए तो हम सब यही सोच लेंगे इंडिया का के साथ हमने कुछ तो बदला ले लिया, एक औरत ही लिया है. आप किस नेशनलिटी से शादी करना चाहेंगी? ऑप्शन 1 इंडिया, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान. इंडिया. इंडिया क्यों? क्योंकि एशियन मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए. तो वहाँ एशियन होते हैं इसलिए मुझे एशियन पसंद है, इसलिए मैं इंडिया से करना चाहूँगी. इंडिया, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, मे भी बांग्लादेश. बांग्लादेश क्यों? कोई खास रीज़न? पाकिस्तान के साथ ही है ना, वो भी टाइट है, इस वजह से आना जाना आसान होगा. आना जाना आसान होगा, कन्वीनियंस इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे. और इंडिया क्यों नहीं? इंडिया बेसिकली वहाँ पे उनका बेसिक कल्चर भी है, लेकिन वहाँ पे हम लोग मूव नहीं कर सकते. मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सिटीजनशिप की प्रॉब्लम होनी है. ऑब्वियसली हर जगह होती है माइनॉर, वो हालांकि मेजोरिटी में मुस्लिम है, लेकिन वो उनको माइनॉरिटीज में ही लेते हैं. अफगानिस्तान ही फिर बेहतर है. वो क्यों बेहतर है? क्या चीज़ आपको उसकी बेहतर लगती है? वहाँ पे पठानी है, बाकी औरों का तो हमें नहीं पता. और पठानियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं. बहुत खूबसूरत होती है. तो इंडिया और बांग्लादेश क्यों नहीं? वहाँ हिंदू हैं ज़्यादातर, और वो हमारी कंट्री से वैसे ही बाहर है, इसलिए नहीं. लेकिन कुछ हिंदू मुस्लिम भी होते हैं. बिल्कुल होते हैं, लेकिन वहाँ बहुत दूर है वो. कुछ हिंदू मुस्लिम भी होते हैं ना. तो शादी करेंगे तो दोस्ती हो जाएगी? नहीं नहीं, पक्का बनाई बैठा बंदा, दुश्मन है ही ना. क्या फायदा है उसका? मैं आपको और क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं. मैं किसी को भी नहीं प्रेफर करूँगा. क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का इस तरह से कि हमारे मुल्क के साथ शुरू से उसकी लड़ाई रही है. हमने लास्ट टाइम भी हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ पे उनको तोहफे भेजे गंदम के बहुत सारे, लेकिन उन्होंने जो है ना अच्छे हमसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की. इंडिया दूसरा, इंडिया ऐसे है कि इंडिया के साथ शुरू से हमारी लड़ाई रही है. और दूसरा ये कि इंडिया का जो टिपिकल इन्वायरमेंट है ना वो अच्छा नहीं है. यानी कि अगर हम सिर्फ बॉलीवुड को देखें ना तो उस लिहाज से बेहतर है हर चीज़, लेकिन वैसे वहाँ पे रहने के लिए जो छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए तो मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ कि कोई भी लड़की यहाँ से शादी करके. लेकिन आपके पास ऑप्शन तीन है, हमें तीनों को रिजेक्ट कर दिया. कोई एक तो कोई एक इस काबिल भी नहीं. कोई भी नहीं है. हम मैं कहती हूँ हमारे मुल्क सबसे बेहतर है. बंगाली भी नहीं है, क्योंकि आप बांग्लादेश में ही देखें कि मुसलमानों के साथ इतना बुरा बिहेव हो रहा है. आए रोज़ कोई ना कोई मस्जिद में कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होता है, तो इस वजह से मैं इस हक में ही नहीं हूँ. अफगानिस्तान क्यों? खूबसूरती की वजह से. आप हुस्न परस्त हैं ना, तेरे बच्चे ले. इंडिया क्यों नहीं? इंडिया में हुस्न नहीं है. हुस्न करे चालो काका जी, वाइफ तेरी देखूगी वीडियो कड्डू. हां वाइफ नाली है नहीं, बच्ची है कोई नाल हुई, बच्चे भी है गए. हुस्न नहीं है. एनीवेज यार गाइस, इंटरेस्टिंग वीडियो सी. पाकिस्तान दे लोकां दी थिंकिंग देखण नु पता लगी है कि वो किद्दां लै रहे हैं. तो कई वीडियोज़ आप देखते हैं जिदे एक्सपैरीमेंट्स करते हैं ना, तो कहें कि हाँ इंडिया का झंडा नहीं चलाना क्योंकि रिस्पैक्ट करनी है. तो ये चीज़ा होंगे ये टॉपिक नहीं सी, टॉपिक डिफरेंट सी. हुण रियल थिंकिंग का पता लगा कि लोगों की हाँ हजे भी जेडे जैलसी कुछ ना कुछ रखते आपस में है ना,
ਉਹ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਪਾਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਲੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋਰੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਧਰ ਰਹੇਗੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਹੋਣਾ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਡਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੈ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਂ ਘੁੰਮੀ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀਗਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੱਕ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਇੰਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਯਾ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ